नमस्कार, मैं हूं दशंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बताएंगे आपको दिन भर का लेखा जोखा। अगर देखा जाए तो छापे की जो कार्रवाई चल रही थी शनिवार देर रात यानी 10:30 बजे के आसपास खत्म हो गई थी, जिसके बाद आज सुबह सुबह छापे को लेकर सियासी चर्चाएं होती रही। देर शाम अनूप सिंह मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपने तीनों आवास पर पड़े छापे का ब्यौरा दिया और अपनी ओर से ये तथ्य रखे कि ईडी के अधिकारियों को क्या कुछ मिला है। पटना आवास की बात की, बेरमो आवास की बात की और रांची स्थित आवास की बात की। तो प्रदीप यादव भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने सीधे सीधे हमला निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं उन पर बोलते हुए कहा कि छापे के पीछे उनकी भूमिका है और उन्होंने सवाल इस बात को लेकर खड़े किए कि आखिर ये कैसी साजिश है कि छापा पड़ता है, आईटी के अधिकारी कुछ कहते नहीं, इसके बावजूद 100 करोड़ बरामद होने की खबरें आ जाती है। उन्होंने भी ब्यौरा दिया कि उनकी ओर से कहाँ से किस आवाज से कितना बरामद हुआ है। लेकिन इस बात पर लेकिन इसलिए है चूंकि आयकर विभाग की तरफ से अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुई है, ना कोई ऐसी सूची दी गई है कि क्या कुछ बरामद हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर वो ये है कि आयकर विभाग ने यानी आईटी ने पूरा केस अब ईडी को ट्रांसफर कर दिया है, यानी इन दोनों आईटी को छापों में जो कुछ भी मिला है उसकी पड़ताल अब ईडी करेगी। वहीं अगर देखा जाए तो सरयू राय ने एक बार फिर रघुवर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो चार्जशीट पूजा सिंघल को लेकर दायर की गई है सेम वैसी ही चार्जशीट 2014 से भी है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, उनसे जानेंगे। मदन, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी ने भी आज मीडिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और जो दावे किए जा रहे हैं उनके बारे में बड़ी बात सामने रखी है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी हुआ, छापेमारी जरूर रुक गई लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। दोनों विधायक कांग्रेस के जो प्रदीप यादव और अनूप सिंह हैं वो आज मीडिया से मुखातिब होते हैं और तमाम तथ्य को रखते हैं। जो सिलसिला ट्विटर का था उसका बारी बारी से उन्होंने जवाब दिया और सीधे तौर पर एक तरह से देखें तो बीजेपी पर कांग्रेस का, जेएमएम का, आरजेडी का आरोप तो है ही, खास करके प्रदीप यादव के द्वारा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया जा रहा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट है वो भी ट्विटर के माध्यम से जानकारी मिल रही है। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं वो ट्वीट कर ये जानकारी दिए हैं कि ये जो कांग्रेस के विधायक गण हैं उनके मामले को अब आयकर ने ईडी को ट्रांसफर कर दिया है। तो अब इससे हम कह सकते हैं कि दो जो एजेंसियाँ हैं वो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। ईडी की एंट्री पहले से झारखंड में है, आयकर विभाग ने बीच में ये जो जानकारी इकट्ठा किए हैं उसको ट्रांसफर किया है। तो अब देखना होगा कि इसका सियासत पर क्या कुछ असर पड़ता है। लेकिन जिस तरह से अनूप सिंह के घर पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और जो एक गाड़ी थी जिसमें बीजेपी के स्टिकर लगे थे, जिस पर विवाद शुरू हुआ था, मुख्यमंत्री भी इस मामले को लोगों के बीच लेकर आए थे, ऐसे में आज बीजेपी के तरफ से इस मामले को लेकर सफाई दी गई। एक वीडियो जारी किया गया, उसमें मुख्यमंत्री के बयान के साथ साथ उस गाड़ी के ड्राइवर के बयान भी थे जिसमें उस पर स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी जो है हमारी निजी है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। बीजेपी का जो आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है। हाँ, कुछ दिन पहले वो एक कार्यक्रम में गए थे जहाँ की एक वीआईपी पास मिला था बीजेपी का और उसी को वो लगाए हुए थे जिसको वो नहीं हटाए थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड में सियासी जो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। इसी बीच आज कैबिनेट की बैठक की भी सूचना आती है, सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा 10 तारीख को कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, साथ ही 11 को विशेष सत्र भी है। तो अभी पूरा सियासी जो पारा है वो झारखंड में चढ़ा हुआ है। ठंड जरूर गिर चुका है लेकिन सियासी पारा काफी है। बिल्कुल, सियासी पारा चढ़ा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उनका प्रत्यारोप भी सामने आ रहा है। बीजेपी ने भी इस बात को लेकर ताल ठोंक डाली है कि जिस गाड़ी को लेकर बीजेपी को बदनाम किया गया वो किराए की गाड़ी है और कभी कांग्रेस कभी जेएमएम के लोग भी उस गाड़ी को किराए पर लेते रहे हैं। ये तो हुई आरोप प्रत्यारोप की बात। अब अगर देखा जाए तो 7 नवंबर से बीजेपी ने भी प्रखंड और जिला स्तर पर उतर कर विरोध करने का इरादा जता दिया है, ऐलान कर दिया है। तो मदन, इसे लेकर प्रशासन काफी चाक चौबंद होगा और कहीं टकराव की नौबत भी बन सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ईडी के द्वारा समन भेजा गया था और महाजुटान हुआ जेएमएम का, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, तो बीजेपी ने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आपत्ति जताई थी कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे में उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता, उनको चुन चुन कर जो है समय पर आने पर जवाब दिया जाएगा। तो अब लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता डरे नहीं हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब हम और ताकत लगाकर इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे,
तब तक उठाएंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देते। बाबूलाल मरांडी ने तो यहां तक दावा किया कि हम सरकार गिराएंगे भी और सरकार बनाएंगे भी, लेकिन बनाएंगे कैसे इसका खुलासा नहीं किया है। तो अब देखना होगा कि इस बीच प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा। जरूर 7 से 13 तक बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके कार्यक्रम तय हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष कहाँ रहेंगे, बाबूलाल मरांडी कहाँ रहेंगे और जो तमाम नेता हैं, सांसद कहाँ रहेंगे, विधायक कहाँ रहेंगे, प्रखंड स्तर पर 7 से लेकर 13 तक और जिला स्तर पर 19 से लेकर 23 तक ये कार्यक्रम बीजेपी ने पहले से तय कर रखा है और इसके तहत जो है तमाम नेता सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने, हालांकि बीजेपी मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ईडी का जो मुख्यालय है झारखंड में वहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, कोशिश ये देखने को मिल रही है कि प्रशासन की पूरी कोशिश होगी कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय स्थिति सामने नहीं आए। वहीं अगर देखा जाए तो ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अब क्या दूसरी बार फिर वक्त मांगा जाता है या सीएम हेमंत सोरेन जाते हैं पूछताछ में शामिल होने के लिए, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।